तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, इस तरीके की नस्लें आपको टोंक के अंदर देखने को मिलती हैं। चलिए तो दोस्तों मैं आपको शो करवा रहा हूँ नदीम भाई के यहाँ। तो नदीम भाई माशाल्लाह ये आपके पास जोड़ा है जी, और जवाब नहीं इन कबूतरों का जी सर। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या लाजवाब कबूतर और कैसी मादा यहाँ पर। नदीम भाई ये जो मादा है, नर तो आप इधर साइड में छोड़ दीजिए, एक बार मादा का हमें शो करवाइए जी। तो दोस्तों आप ये मादा का वजूद देख सकते हैं, क्या लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर आप देख रहे हैं जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर। तो आप इसका जो कलर है, आप जो भूरापन जिसको कहते हैं भूराहट, वो आप देख सकते हैं किस तरीके की है, और बहुत ही लाजवाब मादा नदीम भाई के यहाँ। नदीम भाई पंजे दिखा दीजिए इसके, ये दोस्तों आप पंजे देख सकते हैं, आँख का शो करवा दीजिए नदीम भाई। तो दोस्तों आप ये आँख का शो कर सकते हैं, क्या लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर नदीम भाई के यहाँ आप शो कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। क्यों इस कबूतरी के बारे में? जी जी बिल्कुल, ये कबूतरी जो है इसकी जो माँ थी जी वो हमारे दोस्त ने पहुँचाई थी जी, दोस्त का नाम है इमरान भाई जी जी, उन्होंने पहुँचाई थी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी। और कहाँ से हैं इमरान भाई? जी गुजरात से। गुजरात से जी, तो इमरान भाई का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, हमारा बहुत खास मतलब बिल्कुल भाई की तरह समझने वाला हमारा दोस्त हमें, तो वो गुजरात से यहाँ पहुँचाई जी, यहाँ हमारे लिए पहुँचाई थी इसकी माँ। अच्छा, अब वो माँ तो बची नहीं मगर हमने उनकी निशानी रख रखी है आज तक। अच्छा संभाल, क्या बात है, एक सेकेंड। तो दोस्तों आप शो कर सकते हैं यहाँ पर, ये बड़ी ही ज़बरदस्त मादा, क्या ज़बरदस्त आप इसकी स्टैंडिंग और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर आप शो कर रहे हैं, और ये नदीम भाई ने जो मादा का हमें शो करवाया ये है वो मादा। तो नदीम भाई जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह ये आपने मादा माशाल्लाह छपी हुई बड़ी प्यारी लगाई है जी, जो कि आपके दोस्त ने गुजरात से पहुंचाई है आपको। नहीं ये नहीं है, इसकी अच्छा, माँ थी, इसकी माँ आपको पहुंचाई थी उन्होंने। हाँ बहुत अच्छी थी वो। अच्छा, मैंने एक ही पट काटी। क्या बात, और ये कटी थी, इसको रख रखा बड़े संभाल के। इसके भी माशाल्लाह मांगने वाले बहुत आते हैं कि हमें दो दो, मगर नहीं देता नहीं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं क्या लाजवाब, और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ बहुत ही लाजवाब पुरानी नस्लों के कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप, बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर आप देख रहे हैं जयपुर टोंक पिजन्स चैनल के ऊपर। आप आँख का शौक कर सकते हैं, मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। नदीम भाई जी, इसको पंजे दिखाते हैं आप इसके, और बड़ा प्यारे कलर के ऊपर है ये। आप पंजे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आपने ये मादा देखी उसके बाद हमें शो करवा रहे हैं। ये कबूतरी देखी थी आपने, उसके बाद मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ इस कबूतर का, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल किस्म के कबूतर आप देख रहे हैं नदीम भाई के यहाँ। ये आपने देखा यहाँ पर पेयर, इसी के साथ मैं नदीम भाई से कहूँगा वो सेकंड पेयर का हमें शो करवाएंगे। तो दोस्तों ये आपको शो करवा देता हूँ नदीम भाई के यहाँ, बहुत ही लाजवाब बेमिसाल किस्म के। दोस्तों ईमानदारी की बात है, ऐसे कबूतर देखकर बहुत ही मज़े आते हैं, और इस तरीके का कबूतर आप देखें। ये आपके पास मादा है भाई? जी हाँ सब मादा है। तो ये मादा का शो कर लें दोस्तों, पिछली बार इसकी मादा कराया था शो अपन। अच्छा, और ये बेटी है? ये बेटी है। तो दोस्तों मैं वीडियो के अंदर लास्ट में आपको इनकी पुरानी वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा जाकर, पहले भी कैसे कबूतर थे इनके पास और आज भी माशाल्लाह इन्होंने शौकीन आदमी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मेरे भाई हैं, मैंने आपसे राय ली थी नहीं, इसी मसले में। भाई देखिए मैं बेच रहा था हालांकि, मगर आपने क्या कि नदीम भाई बेच दोगे तो फिर
भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके शौक की चीज़ है और बेच के दो क्या कहते हैं उसको कि सोने की मुर्गी जो है आप एक बार दे भी देंगे तो बाद में फिर क्या होगा, तो ये होते नहीं ना अभी मेरे पास। बेशक बेशक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कलर के ऊपर तो दोस्तों ये आपने शौक किया नदीम भाई के यहाँ मादा का, इससे पहले आपने शौक किया इस पेयर का, और ये मादा, और ये मादा आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त नदीम भाई के यहाँ आप शौक कर रहे हैं इस मादा का। अब इसी के साथ मैं आपको शौक करवाऊंगा नर का। जी नदीम भाई, ये इसी का नर है साहब, ये जो आपने अभी कबूतरी दिखाई है उसका नर है। इसी कबूतरी का नर। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको ऐसे कबूतर देखकर। ये सारी खूबसूरती आपको मिलेंगी जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर जो कि आप देखते आए हैं, और हमेशा आपको यहाँ पर ऐसी खूबसूरत वीडियो देखने को मिली हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो कबूतरों का शौक करवाया, उसके बाद एक पेयर का और मैं आपको शौक करवा देता हूँ। तो ये पेयर आपने शौक किया, बहुत ही बेहतरीन पेयर आप देख सकते हैं, लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर यहाँ पर नदीम भाई के यहाँ। दोस्तों दिल खुश हो जाता है ऐसे कबूतर देखकर, और इससे पहले आपने ही शो किया इस पेयर का और ये मादा का। तो नदीम भाई ये एक मादा और आप दिखा रहे हैं जी, ये कौन सी है? ये पुरानी वीडियो में है अपने। अच्छा, तो दोस्तों आप देखें आज भी जो ऐसा कि मैं कहता आया हूँ आपको कि जो नस्लें हैं वो जो कलर है वो ठहराव जो होता है वो यही होता है कि आपको तकरीबन दो साल पहले, आपने मेरे ख्याल से दो साल तो हो ही गए होंगे उस वीडियो को शूट किए हुए, तो दो साल पहले इसी कलर के ऊपर मैंने आपको ये कबूतरी दिखाई थी, और आज भी आप देख लें जोर से निकली थी वो बच्ची जो अभी जो बच्ची दिखाई है ना। जी जी, तो इसी जोर से निकली थी पहले वाले जोर से। क्या बात है यार नदीम, मैंने जोड़ा तोड़ दिया अब दूसरा न डाला है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये नायाब चीजें आप जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर देखते आए हैं रिजवान अली साबरी के साथ, और आप देखते रहे और ऐसी नायाब नायाब वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल किस्म का यहाँ पर बुना हुआ कलर चटाई वाले कबूतर आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब चटाईदार कबूतरी, और साथ ही साथ इसकी खूबसूरती कलर परवाज छोड़ दिया। आप खुद देखें दोस्तों क्या ज़बरदस्त चटाई लिए हुए ये मादा, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर, और ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं देखने को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे जोड़े नदीम भाई के यहाँ, और इसी के साथ मैं नदीम भाई से कहूँगा कि वो हमें इसका जो नर है उसका शौक करवाएं। के साथ जोड़ लगा रखा है साहब जी, ये जो अभी आपने मादा दिखाई हाँ, इसके साथ ये नर लगा रखा है, ये वाला नर लगा। तो दोस्तों आप ये कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको हमेशा सिखाता आया हूँ, समझाता आया हूँ जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर, यहाँ पर आप उम्र के ऊपर ना जाइए और अपनी अक्ल लड़ाइए। तो दोस्तों ये टोंक के अंदर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप उम्र पर ना जाइए और अपनी अक्ल लड़ाइए, माशाल्लाह एक से बढ़ के एक लोगों के पास हुनर है यहाँ पर। सुनो सुनो जी, मैंने जो मेरे बड़े हैं जी जी उनके पास बैठ बैठ के जी जी मैंने सीखा है, बाकी कुछ भी नहीं आता था मुझे। क्या वास्तव में, तो माशाल्लाह देखें दोस्तों, लेकिन एक सीखने का भी जो है भाई ऐसा होता है नदीम भाई के लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी भी बैठ के आ सकते हैं, लेकिन कुछ उनका जब कैचिंग पावर नहीं होता तो वो पकड़ नहीं पाते चीज़ों को। ठीक है, सीखने के लिए भी बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है। क्या बात कर रहा है, किस कबूतर से कैसे बता रहा है, क्या बात है। हालांकि अपने बड़ों की हमेशा भाई, मैं भी यही कहूँगा कि आप अपने बड़ों की इज्जत करें और उनसे जो सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो बड़े हैं हमारे। तो दोस्तों ये नरका मैं आपको शो करवा रहा हूँ, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं साहब, और क्या कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर नदीम भाई ने देख जो जोड़े लगाए हैं माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर, और इसी के साथ मैं आपको इनके पास जो और कबूतर हैं वो सारे छोड़ के दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, इस तरीके की नस्लें आपको टोंक के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर। तो दोस्तों देख लें आप ये नस्लें, आपको पता नहीं दोबारा देखने को मिलें या ना मिलें, और ऐसी नायाब नस्लें। तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और दोस्तों अगर आपने जयपुर टोंक पिजन्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।